क्या चाइना 700 अरब डॉलर का खर्च कर रहा है और दुनिया को चेतावनी दे रहा है या फिर धोखा दे रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अमेरिका, रूस, फ्रांस ने भारत को ना क्यों कहा और अमेरिका ने एक बड़ा गेम भारत के साथ क्यों खेला, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा हम बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के अगर खर्चों को देखेंगे ना, जो डिफेंस के लिए करता है तो वो बहुत ज्यादा है। जो चाइना बताता है ऑफिशियली कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहा जाता है उससे कई गुना ज्यादा चाइना खर्च करता है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, जिस रफ्तार से चाइना डिफेंस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी बनाए हुए है, एयरक्राफ्ट कैरियर सहित दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना का निर्माण कर रहा है। हर साल वायुसेना के बेड़े में करीब 60 स्टिल्थ J-20 फाइटर जेट जोड़ रहा है। कहा जाता है कि उसके पास जल्द ही एक स्टिल्थ बॉम्बर भी होगा। उससे पता चलता है कि चीन जितना बजट दिखाता है उतने में इतना सब कुछ होना संभव नहीं है। चीन रक्षा से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म और ऑटोमेटिक प्रणालियों में भी आगे बढ़ रहा है। चीन का आधिकारिक खर्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है और अमेरिकी बजट का लगभग 1/3 है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी और एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं, चाइना का छिपा हुआ खर्चा भी है जो चाइना बताता नहीं है, लेकिन चाइना खर्च कर रहा है और चाइना अब अमेरिकी डिफेंस बजट के बहुत नज़दीक पहुंच रहा है। ऐसे में ये कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीनी डिफेंस बजट को लेकर जो बातें कही जा रही है वह डराने वाली बातें हैं। बाकी दुनिया को तैयार रहने की जरूरत है। चीन के वास्तविक डिफेंस खर्चे को जानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि चाइना बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डबल यूज वाली है, यानी कि जिनका उपयोग अपने देश में सिविलियन पर्पस के लिए भी कर सकता है और डिफेंस के पर्पस में भी कर सकता है। R&D में बहुत तेजी से चाइना पैसे लगा रहा है। चीन में सैन्य कर्मियों को अमेरिका का तुलना में बहुत कम वेतन और भत्ते मिलते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि 2024 का आधिकारिक चीनी बजट 232 बिलियन डॉलर से बढ़कर 474 बिलियन डॉलर हो गया है और अन्य मंत्रालयों और संस्थानों की तरफ से अगर हम जोड़ें तो असल में चाइना कितना खर्च करता है, 711 बिलियन डॉलर। ये चाइना का खर्चा अमेरिकी खर्चा के आसपास पहुंच रहा है। अमेरिका का रक्षा बजट माना जा रहा है कि 2024 के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है, लिहाजा मिलिट्री, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें अमेरिका भी खर्च करने वाला है। चाइना ने कभी अपने डिफेंस बजट का ब्यौरा खुले तौर पर नहीं दिया है। एक बार 2020 में UN में उसने बताया था कि वो किस तरीके से 30% में वेतन देता है, ट्रेनिंग और रखरखाव के लिए 33% और नए उपकरणों के लिए 37% खर्च करता है। चीनी कोस्ट गार्ड दक्षिण चीन सागर में भी एक्टिव है। इसके पास सैकड़ों जहाज हैं जिसमें पूर्व पीले सोने के PLA नौसेना के रिफिटेड टाइप 056 भी शामिल है। जिस तरीके से चाइना अपने रक्षा बजट को लगातार बढ़ाता जा रहा है, उसकी तुलना में अगर भारत की बात करें तो भारत का रक्षा बजट कोई खास नहीं है। भारत को अपनी मुकाबला करने के लिए रक्षा बजट को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, जहां भारत और अमेरिका के लिए ये बातें कही जा रही है, अब निकाला जा रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दोस्तों रूस, फ्रांस और अमेरिका तीनों ने भारत को ना क्यों कह दिया है। भारत के बढ़ते हुए कदम में एक तरीके से रुकावट लग गया है और लगता है जैसे कि ये किसी तरीके से किसी बड़ी साजिश में तो नहीं फंस रहा है। दरअसल मामला क्या है, भारत के जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जिस सिस्टम में हम दुनिया भर के देशों को जोड़ पाएं और जोड़ कर जो पेमेंट है वो क्विक कर पाएं, बहुत तेजी से कर पाएं। अगर पेमेंट बहुत जल्दी से होगा तो समझिए कि व्यापार के लिए 0 दिन लगने शुरू हो जाएंगे और
एक बार व्यापार के लिए 0 दिन लगने शुरू हो जाएंगे तो हमारा व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा, दुनिया भर में व्यापार तेजी से बढ़ता चला जाएगा। शक्तिकांत दास ने इस बात को कहा था और इस बात के साथ शक्तिकांत दास ने ये भी कहा कि मैं चाहूंगा कि जो भी देश है G20 में शामिल वो देश अब धीरे धीरे इस तरफ कदम बढ़ाए। भारत ने UPI बनाया हुआ है तो UPI के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए UPI को हम अपना सकते हैं। अब इस पर एक नया पेमेंट मेथड बन जाएगा और नया पेमेंट मेथड बनने से सभी को फायदा होगा। प्रपोजल तो बहुत अच्छा था और इसकी चर्चा G20 में भी हुई थी जब पिछली बार सारे देश यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस समय ये देखने को मिला कि US के फेडरल रिजर्व गवर्नर्स के बोर्ड मेंबर क्रिस्टोफर वॉलर ने भारत को कहा कि नहीं, ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। भारत के पेमेंट सिस्टम आइडिया को ही इन्होंने नकार दिया और नकारने के पीछे इन्होंने कारण बताया और वो कारण क्या था, इनका कहना था कि देखो अगर मान लो कि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का इस्तेमाल अगर आतंकवादी कर लेते हैं तो पेमेंट वो भी तुरंत कर लेंगे। कुछ ऐसे फंड होंगे जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां पर भी इस तरीके का पेमेंट हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, टेरर फाइनेंस का केस हो, बहुत सारी एक्टिविटीज में दिक्कत हो जाएगी। होता क्या है कि जब हम लोग थोड़ा डिले करते हैं पेमेंट में तो कई सारी चीजें समझ में आती हैं, कई बार विवादित चीजें भी निकल कर आती हैं, पर जब हम एकदम से तुरंत से पेमेंट को क्लियर कर देते हैं तो इसका गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि मान लो किसी आतंकवादी घटना के लिए पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो गया। अब ये बात जब उन्होंने कही तो वालर के ये कहने पर US के इस अधिकारी के कहने के बाद ये देखने को मिला कि इसमें फ्रांस ने भी कहा कि हाँ जी बिल्कुल ये तो सही ही कह रहे हैं, इस तरीके का पेमेंट सिस्टम जो सिंगल पेमेंट सिस्टम हो इसको इस वक्त इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहेगा। ये रूस ने भी कहा और यही बात फिर फ्रांस ने भी कहा। फ्रांस ने कहा कि हाँ जी इस तरीके का एक सिंगल पेमेंट सिस्टम जिसमें दुनिया भर के देश जुड़े ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मजेदार बात सुनिए, वॉलर का क्या कहना है। वॉलर का कहना है कि हाँ अमेरिका लेकिन एक सिस्टम बना रहा है जिस सिस्टम का नाम होगा FedNow, और FedNow इस तरीके का सिस्टम है जो अभी फेडरल रिजर्व के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि 1000 सिस्टम को जोड़ा जाएगा, इसी तरीके से कई देशों के पॉइंट्स को भी जोड़ा जाएगा। और एक बार अब इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि भारत के UPI पेमेंट सिस्टम को ये अभी ना कह रहे हैं लेकिन खुद का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया भर की निर्भरता अमेरिका ने अपने ऊपर बना रखी है। अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि वो किसी दूसरे पर निर्भर हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।